कई स्पेशल क्या है तो ये आपको अपने मुंह से भाई सुनाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी जोहार प्रणाम। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं दिल्ली से मिलने हो, तो हम लोग जल्द ही दिल्ली से मिलने आ रहे हैं और एक मीटअप भी करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग सक्सेसफुली मीटअप करके खत्म कर ले यहाँ पर पटना में, तो उसी तरह से मीटअप होने वाली है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के एक जगह है नागपुर, उस पर होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दो कि कौन सा जगह वहां पर बेस्ट होगी, और ऐसी जगह कोई भी पार्क मत बताना जिसमें कि पब्लिक हमारा जाए वो टिकट कटवा के अंदर जाना पड़े। तो वैसे वाला ना सीन हो, क्योंकि बहुत लोगों का, मैं नहीं चाहता हूं किसी कोई पैसा इन्वेस्ट करे हम लोग से ये करने के लिए, ठीक है। तो बाहर से कोई ऐसे पार्क बताइए जो नॉर्मल हो, कोई भी आता जाता हो वैसे सही होगा, नहीं तो किसी गेट के बाहर खड़ा करके कहीं मीटअप कर ले, मतलब सबसे मिल ले, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं हो पाएगा मिलना सबसे यदि ज्यादा क्राउड हुआ तो। इसलिए तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा जगह बेस्ट होगी, और हम लोग तो नेट पे थोड़ा सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग जस्ट वेट करो कब तक हमारा मीटअप होने वाला है, तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कहां तक हमारे, मतलब कौन सा जगह बेस्ट होगी मीटअप के लिए नागपुर में। तो दोस्तों सुना आपने भाई ने क्या कहा, हम दोनों आ रहे हैं और साथ में स्पेशली पहली बार मेरे गणेश जी, कहीं और नहीं बस आप लोग के शहर नागपुर। नागपुर हम लोग आएंगे, भाई भी आएगा, भाई मुझे लेने आएंगे, और आप लोग, भाई ने कहा आप लोग जगह डिसाइड कीजिए क्योंकि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है वहां का, आप लोग जगह डिसाइड कीजिए कौन सा जगह होगा जहां पर कोई एक पैसा भी खर्चा ना हो, जो भी हमसे मिलने आए उसका एक पैसा भी खर्चा ना हो, वैसा स्पेस हम लोग को बताइए और सब प्रॉपर रहे, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ ना हो, मतलब शांत माहौल, ऐसा आप लोग चुनिए और बताइए, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सा जगह अच्छा रहेगा। और अभी भाई आएंगे उसके बाद ही डेट मैं आप लोग को बता दूंगी, जल्द आने वाले हैं मकर संक्रांति के बाद, तब मैं आप लोग को डेट बता दूंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहा जगह, आप लोग जगह डिसाइड कीजिए कौन सा जगह अच्छा रहेगा, हम लोग वहीं पर पहुंचेंगे, है ना गणेश जी। और अगर आप लोग का कमेंट ज्यादा रहा तो हो सके हम लोग फुल फैमिली भी जाएं साथ में लेके, अगर आप लोग का कमेंट में अगर ज्यादा बोलिएगा कि माताजी को भी लेके आए, भगनी लोग को भी, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी के साथ तो कोई चाहिए, उसको हम लोग अकेला कभी नहीं छोड़ते। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई यहाँ पर जो हम आंटी उनको रख के जाते हैं, ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते। तो आप लोग कमेंट में जैसे बताइएगा हम लोग वैसे ही करेंगे दोस्तों।